दिस इज 9th May 2019 और मेरे ट्रिप का 7th डे, माई 3rd or 4th डे इन भूटान। एंड मैं उठ गया था, अब मैं जल्दी उठ जाता हूँ, 7 बजे करीब उठ गया था। आज हमने पारो के लिए निकलना है, विच इज अनदर सिटी इन भूटान। आई विल बी गोइंग टू द बस स्टेशन ताकि मैं प्री बुक कर सकूँ बस। यहाँ पे आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि आप लोग प्री बुक कर लेना, बिकॉज कभी सीट्स मिलती हैं कभी नहीं मिलती हैं, अदरवाइज आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी। थिम्पू से पारो की टैक्सी शेयरिंग में वुड कॉस्ट यू 250, अगर आप खुद जाना चाहो अकेले दैट विल कॉस्ट यू 750, और बस आई थिंक सिर्फ 55 रुपये की है, सो दैट्स द चीपेस्ट एंड द बेस्ट ऑप्शन। ये मैंने सस्ता जुगाड़ करा है, मैंने इस टेबल पे ये वाला छोटा सा स्टूल रखा है, इस पे अपना कैमरा रख के यहाँ का टाइम लैप्स लूँगा। एंजॉय करो। आप में से जिसने भी टाइम लैप्स थोड़ा सा क्लोजली देखा होगा, उसने नोटिस करा होगा कि यहाँ पे जो स्ट्रीट्स है वो वन वे हैं। मोस्ट ऑफ द स्ट्रीट थिम्पू सिटी में वन वे हैं, तो ट्रैफिक तो यूजुअली एक्यूमुलेट नहीं होता उसकी वजह से, एंड उसकी वजह से टैक्सीज भी बहुत एक्सपेंसिव होती है, बिकॉज उनको पूरा घूम के आना पड़ता है। और मेरे को एक और बात पता चली, थोड़ा लाइट में आता हूँ, एक और बात पता चली कि यहाँ पे होटल्स का कॉस्ट ज़्यादा क्यों है, क्योंकि एक तो हेविली टैक्सड है, उसके ऊपर से जो क्लॉक टावर है उसके पास में जितने भी होटल्स हैं और उनका रेंट बहुत हाई है। लाइक जिस जहाँ पे मैं रहा हूँ वहाँ पे मैंने उनसे पूछा कि कैन यू गिव मी फर्दर डिस्काउंट, दे सेड नो इट्स फिक्स्ड प्राइस एंड दे कांट उससे नीचे कर सकते, बिकॉज दे सेड दैट दे आर ऑल्सो पेइंग रेंट उस पूरी बिल्डिंग का विच इज़ 3 लाख पर महीना, विच इज़ प्रिटी एग्जॉर्बिडेंट आई वुड से इवन फॉर अ सिटी सेंटर। तो आपको चीप बजट होटल्स नहीं मिलेंगे, आई वुड से 900 से 1000 पर डे का बजट रखना इफ़ यू कमिंग टू भूटान। सो इफ़ यू स्टेइंग हियर फॉर 6 to 7 nights, तो 7 से 8 हज़ार का अकोमोडेशन का ही रखना। सो दिस इज़ नॉट डेफिनेटली नॉट अ बजट डेस्टिनेशन। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफ़ी सिस्टमैटिक है, तो जैसे मेरी बस 2 बजे की है तो रिपोर्टिंग टाइम टिकट पे ही लिखा होता है 1:30 है, और 1:30 से पहले वो आपको बस में भी नहीं बैठने देंगे। 1:30 बजे करेक्ट आपका जो भी लगेज है वो सारा बोर्ड होने लग जाएगा एंड देन यू कैन सेट इन साइड। 2 बजे बस निकल जाती है एंड इट अराइव्स ऑन टाइम, तो विच इज़ वेरी गुड। यहाँ पे बहुत ही सिस्टमैटिक है एंड ये वाली बस की टिकट तो ज़्यादा महंगी भी नहीं थी, 50 किलोमीटर के लिए 55 रुपये, विच इज़ ऑल राइट। तो आई वुड से कि अगर इफ़ यू वांट टू सेव मनी ऑन ट्रांसपोर्ट तो बसेस कर लेना रादर देन टैक्सीज़। टैक्सीज़ में आप धीरे धीरे एक एक जगह से एक एक जगह करोगे तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, अनलेस यू आर इन अ ग्रुप। ग्रुप में हो तो टैक्सीज़ करना, अकेले हो तो बसेस कर लेना। पारो आ गया हूँ और मैंने अपने अभी होटल में चेक करा है,
अभी ढूंढ लिया था यहाँ पे बस स्टैंड जहाँ पे आपको रोकेगा, वहाँ पे पेट्रोल पंप है, वहाँ से सीधा वॉक करते हुए आना 100 मीटर, 100 मीटर ही होगा, 100 मीटर वॉक करके ये होटल है, होटल ऑल सीजंस। एनीवेज आई गॉट अ गुड डील, मतलब थिम्पू के कंपेयर तो पारो थोड़ा सा चीपर है मेरे हिसाब से, अकोमोडेशन वाइज एटलीस्ट। आई गॉट दिस रूम, बहुत बेयर बोन्स है, कुछ ज़्यादा नहीं है, एक बेड है, डस्टबिन रखा हुआ है फॉर्मेलिटी के लिए, ट्यूबलाइट चल नहीं रही, बल्ब है, ऐसे ड्रेसर है, और ये मैंने बैग रखे हैं, दैट्स इट। और इसमें बाथरूम भी अटैच्ड बाथरूम नहीं है, बाहर है बाथरूम, बट प्राइस ठीक था, इट कॉस्टेड मी 500 रुपीज पर डे, तो मैंने 2 दिन का 1000 रुपये उनको पे करके आ चुका हूँ, विच इज़ फेयर। भूटान सस्ता तो है नहीं, वो हमने अभी तक एस्टैब्लिश कर दिया है। रिनपुन जोंग की तरफ जा रहा हूँ, जो यहाँ पे पारो का जोंग है, वहाँ पे वॉक करते हुए जा रहा हूँ। मेरे होटल से करीबन 1 किलोमीटर का वॉक है। रिनपुन जोंग के बाहर जो ये लेक है या स्ट्रीम कह लो, दिस इज पारूचू, और ये पारो जोंग है, और या फिर रिनपुन जोंग जो पारो का जोंग भी कहते हैं इसको। अभी रिनपुन जोंग जैसे मैंने बताया था, पारो जोंग उसके बाहर ही हूँ, और यहाँ पे एक जा रहे थे जनाब, तो मैंने उनसे ही पूछ लिया कि इसकी एंट्रेंस फीस क्या है। ही सेड कि 500 नॉक्ट्रम या रुपीस, 1 to 1 है जैसे मैंने पहले भी बताया था, तो कोई डिफरेंस है नहीं करेंसी में, तो 500 रुपये लगेंगे अंदर जाने के। और अभी बंद हो चुका है क्योंकि मोस्टली सारे म्यूजियम्स या सारे मॉन्यूमेंट्स का टाइमिंग्स यूजुअली 9 से 5 होता है या फिर 8 से 4 होता है, अंदर मोर और लेस आर्किटेक्चर सेम होता है। एंड एक और चीज़ मैंने गूगल पे सर्च करके देखी, मोस्ट ऑफ द जो जोंग्स हैं इंक्लूडिंग द रिनपुन जोंग, ये यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट पे है कि एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कॉइन हो जाए, अभी हुई नहीं है। आई थिंक टाइगर्स नेस्ट जो मैं हाइक करूँगा कल, जो टाइगर्स नेस्ट का टेम्पल है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बट ये नहीं है अभी तक। मैंने देख लिया, आप लोगों को दिखा दिया, काफ़ी है। ऐसा सेम आर्किटेक्चर था पनाका जोंग का, और थिप्पू जोंग का भी मोर और लेस सेम था। जोंग्स मतलब फोर्ट्रेस, जो मैंने पहले भी मेंशन करा है। तो अभी चलते हैं, वापस जाता हूँ पारो सिटी की तरफ, करीबन 1 किलोमीटर वॉक करके जाना पड़ेगा मेरे को। शाम हो चुकी है, 7 7:30 बज चुके हैं, मैं वापस आ गया था आपको थोड़ा सा पारो घुमा के। जो नींद आई मेरे को, मैं बस लेटा और सो गया। मेरे को भूटान में जब से आया हूँ बहुत ही अच्छी नींद आती है, इसलिए नींद खुलने के बाद बहुत रिफ्रेश्ड फील करता हूँ। अभी तो 7 7:30 हो चुके हैं, यहाँ पे जैसे मैंने बताया शॉप्स क्लोज हो जाती हैं जल्दी, तो अभी डिनर खाएंगे थोड़ा। मेरा बाहर ज़्यादा खाने का मन नहीं था, तो मैंने अपने लिए कुछ सप्लाइज़ ले लिए हैं, तो यही जाके मैं अपने होटल में पूछ लिया था कि मैं बना सकता हूँ, तो मैं जाके अपना खाना खुद कुक करूँगा आज। ट्राई करते हैं, मेरे पास ग्लास नहीं है, तो आई हैव टू ड्रिंक इट फ्रॉम द बॉटल। आप डिस्पोजेबल ग्लास खरीद सकते हो फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। चीज
टेस्ट तो अच्छा है, आई मीन थोड़ा फ्रूटी टेस्ट है, पीच पीच वाइन है, इट्स सॉर्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ पीच एंड वाइट वाइन आई वुड से. दिस इज गुड, आई वुड से दिस इज, आई वुड रेकमेंड ज़ुमज़ेन पीच वाइन. ज़्यादा महंगी भी नहीं थी, ये छोटा वाला 375 ml का वॉज फॉर ओनली 150 एंड इसका बड़ा वाला 750 ml वाला वॉज फॉर 250 रुपये. यू कैन ट्राई दिस. एंड मैंने लोकल बियर भी ट्राई करी थी, इट्स सॉर्ट ऑफ सिमिलर टू वॉट वी हैव बैक इन इंडिया, किंग फिशर के जैसी थी. एंड यार एक बात मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं अपनी हमेशा ओरिजिनल साइड दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, तो आई लाइक हैविंग अ ड्रिंक समटाइम्स, तो मैं वो शेयर कर देता हूँ. डोंट टेक इट इन द रॉन्ग वे, आई ओनली ड्रिंक इन माई लिमिट्स और मैं बहुत ही रेयरली पीता हूँ. वेन आई एम बैक होम तो मैं पीता भी नहीं हूँ, ओनली वेन आई गो आउट एंड सोशलाइज विद फ्रेंड्स. आप में से काफ़ी लोग जो देख रहे हैं वो 18 से नीचे के हैं, एंड एज अ बिग ब्रदर आई एम सेइंग कि प्लीज डोंट ड्रिंक टू मच, ड्रिंक सोशलाइज अपनी लिमिट्स में, दैट्स ऑलवेज गुड. या दैट्स इट. 9 बज चुके हैं, मेरे को थोड़ा जल्दी सोना पड़ेगा आज, बिकॉज मेरे को सुबह 6:30 बजे उठना है, 7:30 तक तो मैं अपनी हाइक के लिए भी निकल जाऊंगा. तो नेक्स्ट एपिसोड बहुत एडवेंचरस होने वाला है, आई एम श्योर यू गाइज विल लाइक इट. एनीवेज अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय करा तो प्लीज लाइक करना यार, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कॉमेंट करना नीचे क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा, और प्लीज इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ताकि मेरी करंट स्टोरीज वीडियोज फोटोज सबके साथ आप अप टू डेट रह सको. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.